बाय का भी लाइक कर दो, बाय बब्बो राजे बब्बो बब्बो तो कुछ कहते नहीं, बोर्ड दांत दिखा रही अपने लाइक कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी आज देखिए हम आ गए अपनी दादी जी का पता लेने के लिए, क्योंकि हमारी दादी जी बीमार हो रही थी सभी लोग, तो आप लोग भी देखिए। तो जी दादी जी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वैसे तो ना हम इनको बेबे बोलते हैं, और तो बेबे की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए हम सब पता लेने के लिए आ गए थे। और बेबे की हालत ख़राब हो रही थी, पापा जी आए थे ना तो वे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए हैं दादी जी का पता लेने के लिए। हमारी दादी सास हैं, बीमार हो रही है। तो जी हमारी बुआ सास है, फूफस बोलते हैं जिनको गांव में, तो जी ये भी आ रही थी बेबे के का पता लेने के लिए। और बेबे की ना बहुत ज़्यादा अचानक से तबीयत ख़राब हो रही थी, अब तो खैर आराम है इनको। और ये छोटे वाली चाची जी है और इनके पास ही बैठे हुए हैं हम। वो बेबे ना नीचे लेटी रहती है, ये पंडित जी है, ये मेरे देवर है भैया। और अब ये आ गए हैं हम लोग बड़े बीच वाली चाची जी के घर, तो बड़े वाली चाची जी वहाँ पर ही बैठी थी, मैंने दिखाई थी आपको चेयर पर बैठी हुई। तो अभी बड़े वाली चाची जी के घर पर आ गए हैं। मैं तो कह रही मैं दीदी बाबा जब हम वहां से गए तो तीन देर से ना पड़े कितना कितना तो मकान बनाने की जो किस बोलते हैं जो किस की दुनिया घूमता ना जाइए आ जाते ना और नहीं है ध्यान में आ जाओ तो ये मैं तो आ जाऊंगा इंग्लिश में उनको पता ये पार करना छोड़ दी जो जिंदे मतलब आप क्या कर जिंदे तुम तो इसका नो बना। तो जी अभी चल दिया घर वापस, 4 बज चुके हैं। और ये देखिए मुंजी लगा रखी और बरसात बहुत ज़्यादा हो रही, तो मुंजी भी बढ़िया हो जाएगी, मुंजी में पानी ज़्यादा चाहिए खेत में। तो बारिश भी हो रही है और बढ़िया मुंजी लग गई है देखो यहाँ पे खेतों में। तो जी अभी घर पहुँच जाएंगे, बस अभी 5 मिनट का रास्ता है। तो जी घर आ गए हैं, बढ़िया धूप निकल रही है चार में थारे देख लो। पापा ने चारों चोर फैला का फिट कर दिया। तो
जी ये देखिए गाइस, ये अचार का मसाला और आके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर इधर अचार डालने की तैयारी में लग गए थे हम। तो मम्मी ने सौंप और धनिया वनिया सब अच्छे से साफ कर दिया था, फिर ने मिक्सी में पीस लिया हमने और अभी ना मसाले को डाल रहे हैं। जो हम है ना उसको रख रखा था उसमें से निकली नमक डाल के, तो इसको भी इसमें डाल लेंगे। ये धनिया है पीस लिया हमने और ये सौंफ है थोड़ी दरदरी सी कर ली और ये मेथी दाना है और ये हल्दी और मिर्च मम्मी ने इसमें मिक्स कर दिया। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल घर का ही, इसे पका लिया है। तो अभी ये डब्बा भी साफ करके रख दिया है, मैं इसमें रखती हूँ और इसमें मिर्च और हल्दी अच्छे से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। नहीं अचार डालना सीख ले कैसे डालते हैं। नमक तो तुम भी ज्यादा ही सोप तो चौखी सी रहा, मेथी भी चौखी सी रहा, धनिया कम, धनिया तो साफ कर रखा तो साफ करन लग रही आई मैं, पर मेथी देर मेथी साफ कर। तो जी ये देखिए अभी सारा मसाला यहाँ पे मिक्स कर दिया है इसमें अचार में, जो हमने अचार इस डब्बे में करके रख रखा था, रचा के नमक डाल के आराम को काट के रख दिया था। तो फिर इसमें से जो पानी सा निकला था ना उसे आँच बोलते हैं, उसे हमने इस भिगोने में पका लिया है, गर्म कर लिया है और इस इन्हें दो दिन की धूप लगा दी थी और हल्दी धनिया और सौंफ इनको अच्छे से पीस के और मिर्च ये सब इसमें मिक्स कर दिया है, तेल पका लिया था, मस्टर्ड ऑयल सरसों का जो तेल होता है वो, तो इसमें सब मिला दिया है, मिक्स कर दिया है मतलब मसाले में ही, और वो आँच भी मिक्स कर दी। अभी इसको हम डब्बे में रख देंगे जो कि सालों साल चलने वाला अचार है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अभी सारा अचार हम इस डब्बे में कर लेंगे और ये जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है ये भी ऊपर से इसी में डाल देंगे और दो दिन की धूप में से बंद करके धूप में रख देंगे, ये हमारा अचार हो जाएगा तैयार फ्रेंड। तो जी पहले तो मम्मी डाल लेती थी जब से मेरी शादी हुई है, तो जब से डालना नहीं है, जब से अभी डालना है 11 साल के बाद, क्योंकि घर से आ जाता था फिर पूजा की शादी होगी तो शामली से आ जाया था, तो इस बार हमने खुद ही डालना। हम बोलने लगे मम्मी को, मम्मी अचार डाल लो, ऐसे तो हम पे भी नहीं आने का घालना और फिर आगे कभी ना कभी तो हमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए फिर इस बार हमने खुद से ही डालना है घर पर। और हर एक काम सीखना चाहिए, अचार की भी ज़रूरत पड़ती है। चलो अभी तो घर से आ जाता था लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे, परिवार और भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो खुद से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद से डाल ले। और वैसे इतना ज़्यादा भेद भी नहीं है इसमें डालने में। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय। और अभी हमने इसे बंद करके रख दिया है।